आपने नारियल या सुपारी के पेड़ तो देखे ही होंगे। इनकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि हर किसी के लिए इन पेड़ों पर चढ़ना आसान नहीं होता है, और कई बार तो इन पेड़ों पर चढ़ते वक्त दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन तमाम खतरों के बावजूद नारियल और सुपारी की खेती करने वाले किसान रोज़ाना इन पेड़ों पर चढ़ते हैं। केरल के वायनाड के रहने वाले एक छात्र मोहम्मद अंसिल ने ऐसे ही किसानों को देखते हुए एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसके ज़रिए बिना पेड़ों पर चढ़े ही नारियल और सुपारी को तोड़ा जा सकता है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। अंसिल केरल के वायनाड जिले के बिनाची गांव के रहने वाले हैं। मोहम्मद अंसिल ने एक ऐसा नवाचार बनाया है जो नारियल और सुपारी की खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। दरअसल ये एक ऐसा नवाचार है जिसकी मदद से नारियल और सुपारी तोड़ने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ता, और इस काम में ज्यादा शारीरिक मेहनत भी नहीं लगती, और कम समय में ज्यादा उत्पाद तोड़े जा सकते हैं। नमी की वजह से पेड़ों के तनों पर अक्सर फिसलन रहती है, जिसकी वजह से फिसल कर गिरने का डर भी बना रहता है। अंसिल के इस नवाचार की वजह से नारियल तोड़ने की यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। हमारे स्थान पर सुपारी की खेती करने वाले कई किसान बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन वे कौशल की कमी का सामना कर रहे हैं। मजदूर और लोगों की नई पीढ़ी ऐसा काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते जिसमें उन्हें पेड़ पर चढ़ना पड़े या कोई अन्य मेहनत करनी पड़े, जिससे खेती से संबंधित किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मैं चढ़ाई के लिए एक मशीन बना सकता हूँ। सुपारी के पेड़ पर चढ़ने का काम बहुत जोखिम भरा है, केवल एक कुशल मजदूर ही इस पर चढ़ सकता है। पिछले वर्ष हमारे स्थान पर क्लाइंबिंग के दौरान दुर्घटना के मामले काफ़ी बढ़े हैं, जिससे मुझे लगा कि मैं एक ऐसी मशीन बना सकता हूं जो इस प्रक्रिया को आसान कर सके। This process easy. अंसिल ने अपने इस नवाचार का नाम वंडर क्लाइंबर रखा है। इसे स्टील और रबर से बनाया गया है। इस नवाचार में दो खांचे बनाए गए हैं, जिन्हें एक रॉड से कनेक्ट किया गया है। रॉड के दोनों सिरों के ऊपर नीचे पुली लगाई गई है। पुली रस्सी को ऊपर नीचे खींचने में मदद करती है। इस रस्सी को पकड़कर किसान आसानी से इस नवाचार को पेड़ पर चढ़ा और उतार सकते हैं। रॉड के अंत में एक कटिंग टूल लगाया गया है, जिसकी मदद से उत्पाद को आसानी से काटा जा सकता है। उत्पाद को संभालने के लिए दो सरिये भी लगाए गए हैं। रबड़ की बॉल पेड़ पर ग्रिप बनाने का काम करती है और मशीन को पेड़ के तने पर फिसलने से रोकती है। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले हमें चाहिए था एक नया डिज़ाइन जो मशीन और नवाचार को बनाने में हमारी मदद कर सके। इस मशीन को पेड़ पर चढ़ाने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म लगेगा, इस पर विचार करने में काफ़ी समय लगा। मूल रूप से ये एक नया नवाचार है जिसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। पार्ट्स को कनेक्ट करना और उनको लगाने में स्कूल और घर की तरफ से मुझे निरंतर सपोर्ट मिला है, तभी मैं इस नवाचार को बनाने में सफल हो पाया हूँ। टेक्निकल सपोर्ट। वंडर क्लाइंबर को बनाने में अंसिल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस नवाचार को बनाने के लिए तकनीकी कौशल की जरूरत थी। अंसिल जब इस नवाचार को बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तब उनकी शिक्षिका ने इस नवाचार को बनाने में उनकी सहायता की और इस नवाचार को विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित करने के लिए भी पूरी मेहनत की। पहली बार जब मैंने नवाचार के बारे में सुना तो मुझे लगा कि हमें किसी इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए, और हमने एक इंजीनियर से सलाह ली और उन्होंने कहा कि यह काम करेगा, इसलिए हमें और अधिक आत्मविश्वास मिला। अंसिल तकनीकी ज्ञान रखता है और उसका यह नवाचार शानदार है, जिसके कारण ही हमने उसकी मदद करने की कोशिश की। टेक्निकली ब्रिलियंट। वंडर क्लाइंबर को बनाने के बाद अंसिल ने अपने इस नवाचार को आजमाने के लिए कई किसानों को दिया,
इस दौरान कई किसानों ने इस नवाचार में सुधार करने के लिए अपने सुझाव दिए। किसानों से मिली फीडबैक के आधार पर अंसिल ने इस नवाचार में कई बदलाव किए और इस नवाचार को बेहतर बनाया। मेरा नाम नौफल है, मैं एक किसान हूं। मैं इस मशीन का उपयोग अपनी खेती के उद्देश्य के लिए करता हूं। यह मशीन सुपारी उगाने वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इस मशीन का निर्माण और उपयोग बहुत ही कम लागत में किया जा सकता है और इस मशीन का उपयोग करने पर बहुत ही कम समय में काम पूरा किया जा सकता है। मैं इस मशीन का सुझाव सभी किसानों को देता हूं। अंसिल को इस उम्दा नवाचार के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया। अंसिल को मिले इंस्पायर अवार्ड मानक पर उनके परिजनों को नाज है। जब मैंने पहली बार उसका इनोवेशन सुना तो मैंने उसे हर संभव सहयोग दिया। मुझे परवाह नहीं थी कि यह सफल होगा या असफल। मैंने वह सब कुछ किया जो वह चाहता था। सुपारी के पेड़ों पर चढ़ना बहुत ही जोखिम भरा काम है, लेकिन इस मशीन की मदद से ये बहुत आसान हो गया और वह इस मशीन को बहुत ही कम लागत में बनाने में सफल रहा। विशेष रूप से प्रधानाचार्य और मार्गदर्शक शिक्षक ने उन्हें हर संभव मदद की। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि उसे यह पुरस्कार मिला। मोहम्मद अंसिल का यह आविष्कार यह सिद्ध करता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वो एक साधारण किसान परिवार से आता है। उसने देखा होगा कि किसानों को लंबे पेड़ों पर चढ़ के, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ के और गिरने का कितना खतरा रहता है, जैसे कि नारियल तोड़ना जैसा काम करना हो या खजूर के पेड़ पर चढ़ना हो। कोई भी किसान इसको आसानी से कर पाएगा। एक पुल्ली और रस्सी के ज़रिए बस आपको रस्सी को पुल करना है और ये ऊपर जाएगा और आसानी से नारियल कट करेगा और नारियल गिर जाएगा। सो इससे बहुत टाइम भी सेव होगा और उसकी जान को भी कोई खतरा नहीं रहेगा। सो किसानों के लिए, उनकी जान बचाने के लिए और उनको ईज देने के लिए उसने एक छोटा सा जो डिवाइस बनाया है वो एक बहुत सराहनीय काम है। और ऐसे इनोवेटिव इनोवेशन आइडियाज़ ऐसे किसान परिवार के बच्चों से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। एंड ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। अंसिल चाहते हैं कि उनका ये नवाचार और ज्यादा उपयोगी बने। इसके लिए वो इसे और भी किसानों को उपयोग के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उनसे मिले फीडबैक के आधार पर वो इसमें और भी सुधार कर सकें। मोहम्मद अंसिल का ये नवाचार कई मायनों में खास है। इसकी मदद से नारियल और सुपारी की खेती को आसान बनाया जा सकता है, जिससे खेती की पैदावार बढ़ सकती है और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। विज्ञानवीर के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और भरोसेमंद जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।